हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए के आई टी सोल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है, जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है ए के आई टी सोल्यूशन से। अगर अभी तक आपने यहाँ से पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है, तो यहाँ से बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपके टूल बार में आ जाएगी और आप अच्छे से उसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड ए के आई टी सोल्यूशन को आपको कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि आपको ऑल प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल देखने के लिए मिल पाए। तो दोस्तों, हमने लास्ट में क्या देखा था वो मैं आपको बताता हूँ, एंड उसके बाद हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, हम पढ़ रहे थे हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। जो हमारी फर्स्ट वीडियो आई थी हायर ऑर्डर फंक्शन की, उसके अंदर हमने मैप को देखा था। एंड रिसेंटली जो हमारी वीडियो आई थी, उसके अंदर फिल्टर को देखा था। और आज की जो वीडियो है हमारी, इसको हम देखने वाले हैं रिड्यूस के बारे में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। फर्स्टली मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने फिल्टर की वीडियोज नहीं देखी है, तो पहले फिल्टर की वीडियो देख लो, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए फिल्टर हम डेटा कैसे कर सकते हैं और फिल्टर जो हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है वो कैसे यूज़ किया जाता है। अब देखो, रिड्यूस के बारे में आपको बताऊंगा। रिड्यूस भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं चलेंगे हम एग्जांपल पे। थ्योरी हम देखेंगे बाद में, पहले मैं रिड्यूस को आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। तो अब हम चलेंगे वीएस कोड में। तो देखो, ये लास्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसमें हमने देखा था। तो अभी मैं रिड्यूस के बारे में बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे रिड्यूस की एक फाइल बना लूंगा। तो reduce1.py के नाम से मैंने फाइल बना ली है। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा कंसोल है उसको हम कर लेंगे cls। तो दोस्तों, अभी रिड्यूस करता क्या है, देखो रिड्यूस का मतलब क्या होता है। पहले तो मैं रिड्यूस यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्टली जो रिड्यूस हमारा फंक्शन होगा वो कहाँ से हम लाते हैं हमारे पास। देखो, मैं थ्योरी में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि रिड्यूस फंक्शन जो होगा वो हमारा कहाँ से आता है। हमारा जो फंड टूल्स है उसके अंदर से हमारा आता है, ठीक है। मतलब एक लाइब्रेरी है जिसको हम इम्पोर्ट करेंगे फन टूल, उसके उसमें से हमारा ये आएगा, ठीक है। तो उसको हम यूज़ करेंगे। मैं अभी इसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो देखिएगा, इस तरह से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। या थोड़ा सा स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है, वो मैं सही कर दूँगा। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, पहले हम फ्रोम से करते हैं। ओके, मैं फ्रोम यूज़ करूँगा किसको, फंक टूल को, ठीक है। जो हमारा फंक टूल से इसको मैंने किया। एंड इम्पोर्ट हम किसको करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे हम किसको, रिड्यूस को। तो मैं यहाँ रिड्यूस इम्पोर्ट कर लूँगा। देखो, मेरा रिड्यूस हो गया इम्पोर्ट। अब मैं यहाँ पे रिड्यूस को यूज़ करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा रिड्यूस। रिड्यूस लिखा तो इसके अंदर देखो क्या हुआ है, इसके अंदर क्या आता है कि हमारा एक फंक्शन हो गया, फंक्शन के बाद एक हमारा सीक्वेंस हो गया। अब लास्ट वाली आपको आर्गुमेंट नहीं देखनी है, इसको यहाँ से अभी मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला तो फंक्शन जाएगा, आपको फंक्शन जाता है, एंड उसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस जो होगा वो जाएगा। अब होता क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके थ्रू बताऊंगा। मान लो आपके पास डेटा 1 2 3 इस तरह से ये है, आप चाहते हो कि आपके पास यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट है, मगर आप एक ऐसा आउटपुट चाहते हैं जो सिंगल एक एलिमेंट हो। अब वो हो सकता है इन सब का मल्टीप्लिकेशन हो, इन सब का एडिशन हो, या कोई और इसके अंदर ऑपरेशन यूज हो जिसमें आप इसमें एक डेटा चाहिए। तो मान लो आप चाह रहे हो कि इन सब का एडिशन हो, तो देखो यहाँ पे 1 को 2 में ऐड करें पहले, फिर जो रिजल्ट आए वो 3 में ऐड करें, फिर जो रिजल्ट आए 4 में करें, फिर वो आए जो हमारा आए उसको 5 में। देखो, इसको करने के डिफरेंट वेज हैं, बट अधिकतर हम इसको रिड्यूस को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और अच्छे से इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब देखो, फंक्शन को मैं ओनली फन करूँगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो मैंने ये यूज़ किया है इस तरह से मैं इसको ही यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्या यूज़ करूँगा, लिस्ट मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली 1 2 3 एंड 4। ओके, मैं सेपरेटर लगाना था मेरे को 2 2 के बाद फिर सेपरेटर, चलो 23 रहने देते हैं, फिर सेपरेटर, उसके बाद ये मैंने सेपरेटर दे दिया। तो देखो, इस तरह से मैंने किया। अब इसको भी मैं कहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखूंगा, बट आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, ओनली एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे ओबीजे अगर मैं कर लेता हूँ तो ओनली 1 वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। एंड उस वैल्यू को हम कराएंगे प्रिंट। तो मैंने प्रिंट कराया किसको, ओबीजे को, ओबीजे को मैंने प्रिंट कराया। अब मैं उस फंक्शन को भी डिफाइन करूंगा जो ये वर्क परफॉर्म करेगा हमारा वर्क, ठीक है। तो मैंने फन लिखा, एंड फन लिखने के बाद मेरे पास यहाँ से 2 वैल्यूज आती है। मतलब ये जो फन, ये जो रिड्यूस फंक्शन है, ये इसको कॉल करते टाइम 2 वैल्यूज को देता है, एक फर्स्ट वैल्यू एक सेकंड वैल्यू। अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों का जो एडिशन आएगा फिर इसकी वैल्यू, मैं आपको बताऊंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, बट अभी यहाँ पे ए एंड बी हम लिखेंगे। अब देखो, मैं चाह रहा हूँ इसका जो मेरा एडिशन होगा वो, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा ए प्लस बी, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो 29 मेरा यहाँ पे आ गया है, ठीक है, 29 आ गया। इन सब का एडिशन 29 ही है, ये आ गया। अब देखो, अगर मैं चाह रहा था कि इनका क्या चाहिए मुझे, जो इनका प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी अगर आप यहाँ पे करोगे, तो अगर इसको एग्जीक्यूट करते हो तो देखो इसका यहाँ पे 2760, ये इसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया इन सब का आपस में करोगे तो।
अब इसके अंदर होता क्या है, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। तो अभी क्या हुआ होगा कि जब फन को फर्स्ट टाइम पे कॉल होगी, फर्स्ट टाइम पे जब कॉल होगी तो ये वाली वैल्यू जाएगी, ठीक है, ये दोनों वैल्यू जाएगी। अब ये जब सेकंड टाइम पे कॉल होगी तो फिर क्या होगा, जो इन दोनों का आउटपुट आया होगा वो वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू जाएगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू जाएगी। थर्ड टाइम पे क्या होगा, जो इन दोनों वैल्यू को पास करके आउटपुट आया होगा वो वाली वैल्यू एंड ये नेक्स्ट वाली वैल्यू जाएगी, ठीक है। एंड ये हमारी फोर्थ टाइम पे क्या होगा, जो इसका आउटपुट आया होगा, जो आउटपुट आया होगा वो वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू जो हमारी लास्ट है ये जाएगी। अब लास्ट में कोई वैल्यूज ही नहीं है तो उसके बाद आगे कुछ जाएगा नहीं। तो देखो इस तरह से ये हमारा एग्जीक्यूट होगा एंड उसके बाद एक वैल्यू हमको रिटर्न होगी यहाँ से कोई एक, एंड यहाँ पे जो होगी उसको हम यहाँ पे नॉर्मली प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। रिड्यूस का मतलब यही होता है कि मल्टीपल एलिमेंट है उसको रिड्यूस कर लेना, सिंगल डेटा के अंदर रिड्यूस हम इसको कर लेंगे अच्छे से, तो यही होता है। एंड अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेंगे। तो देखो अब चाहो तो यहाँ पे आप यहाँ पे लैम्डा फंक्शन भी यूज कर सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन यूज करता हूँ, मैंने यहाँ पे लैम्डा लिखा एंड उसके अंदर ए एंड बी ले लिया और उसमें मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ पे ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी, ठीक है। अब मैं फन तो मैंने यहाँ से कनेक्शन मतलब कॉल ही नहीं किया फन को, तो यहाँ से कनेक्शन क्लोज हो गया। अब देखो एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। तो देखो यहाँ से भी सेम आउटपुट आया, लैम्डा फंक्शन को भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ उसके बाद वीडियो करते हैं हम यहाँ पे एंड। तो देखो इसके अंदर भी इन्होंने यही बताया कि रिड्यूस दो आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है, एक ये वाली एक ये, मतलब एक एक ऑब्जेक्ट जो होता है फंक्शन का एंड उसके बाद एक जो हमारे इटरेबल होंगे उनको। और उसके बाद इन्होंने बताया है इसका मेन कॉन्सेप्ट ही क्या होता है कि ये एक सिंगल डेटा रिटर्न करके देता है, ठीक है। एंड उसके बाद इन्होंने एक उसको आपको देखनी है कि ये जो हमारा होगा ये किसके अंदर होगा, ये हमारा फंक टूल के अंदर होता है, ठीक है, फंक टूल के अंदर होगा, मतलब ये लाइब्रेरी हमको इंपोर्ट करनी होगी। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है वो मैं सही कर दूंगा। तो देखो आपको यहाँ ध्यान देना है तो फंक टूल्स होगा, ठीक है, ना कि टूल, टूल्स होगा। तो इस तरह से इसको इंपोर्ट करोगे एंड यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैंने बता रखा है कि लैम्डा फंक्शन को भी आप यूज कर सकते हो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन जल्दी से प्रोवाइड किया जा सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।